जाए जाए जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। मुराद, ये तुम क्या गा रहे हो? गाना। और क्यों गा रहे हो? क्योंकि ये वॉइस ऑफ एक्यू का ग्रैंड फिनाले है। ओ, तो तुम क्या डॉक्टर हो? नहीं। फिर सर्जन हो? नहीं। फिर नर्स तो जरूर हो गया? नहीं। तो फिर तुम शायद कोई डिपार्टमेंट में एक्यू में काम करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम ये गाना नहीं गा सकते? क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ वही लोग गाना गा रहे हैं जो या एक्यू में डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, लेकिन प्रोफेशनली सिंगर्स नहीं। मे वी प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर 10 पार्टिसिपेंट्स। सुरों के इस मैदान में, इस सुरीली रात में, मैं मदीहा बसरिया, मैं मुराद भालेशा, आप सबको खुशामदीद करते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, मैं हमारी चीफ गेस्ट मिस शमीम नयानी को वार्म वेलकम करना चाहूँगा और मेरी गुजारिश होगी दीशान साहब से कि वो उनको बुके दें प्लीज। Ma'am, it's a pleasure having you here with us. Moving forward, we would like to welcome our judges, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे साथ यहाँ इस महफिल में शरीक हुए हैं। हमारी पहली जज कोक स्टूडियो सीजन 8 की सिंगर हैं, आपकी भरपूर तालियों में फिजा जावेद। हमारी सेकंड जज पाकिस्तान की मशहूर गजल सिंगर, राबिया सहर। हमारे तीसरे जज पीटीवी के मशहूर म्यूजिक कंपोजर, आपकी भरपूर तालियों में शाहिद भुट्टो। पाकिस्तान मूवीज और ड्रामों के गाने इनके बगैर अधूरे हैं, आपकी भरपूर तालियों में वहाब खान। इन सब के साथ हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बगैर ये रात अधूरी थी, ये रात होना ही मुमकिन नहीं थी। प्लीज जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे जीशान हाशमी साहब। ये इन्हीं की वजह से आज की रात पॉसिबल हो सकी है। मे वी प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मेरी गुजारिश होगी सुल्तानाबाद फीमेल पाइप बैंड से कि वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें। अब मैं अपने इन 10 सितारों से गुजारिश करूंगा कि वो एक एक कर मुझे स्टेज पर ज्वाइन करें। करीम तेजानी। मैं आपको बता देनी चाहूँ कि ये करीम तेजानी क्लिनिकल लेबोरेटरी से हैं। महविश जॉर्ज। शी इज अ नर्स आरएन बी2 गायनी। एम्ब्रोज एंथनी। न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विस डिपार्टमेंट। मरियम लकदीर। कम्युनिटी हेल्थ साइंसेस। मोहम्मद अली सिद्दीकी। ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट। इकरा खान। सीएमएस। वकार यूनिस। नर्सिंग सीएसएलटी। यास्मीन लदाख। नर्सिंग एजुकेशन सर्विस एनईएस। आप लोगों की तालियां रुक गई हैं, तालियां जारी रहनी चाहिए। उजैर वली। और आखिर मोहम्मद अली हसनैन सर्जन।
please request Kareem Tijani, our first finalist. Talking about the auditions, my journey is very life-changing. The support I have Mansoor bhai, Zahid bhai, tamam friends, family, se mila hai, main bata nahi sakta. The love you all have given me is very unconditional, very zabardast, very caring. My journey was very difficult. I was on the first day audition, ke upar, 3 times gaane ko kaha gaya. Second audition, mein 2 times gaane ko kaha gaya. Aur aista aista is journey ke andar mujhe naye dost mile, bahut sara pyar mila. बहुत से दोस्त हमें छोड़ के गए जो हमारे साथ इस जर्नी में आगे ना आ सके, पर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआ और प्यार से मैं आज फाइनल्स में हूँ। और इस पूरी जर्नी के अंदर आप मैं बता नहीं सकता कितना मुझे मेरे दोस्तों से सपोर्ट मिला। आई रिकॉल मुझे मेरे दोस्त लेके कीबोर्ड पे बैठ जाते थे, वो मुझे सिंगिंग कराते थे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में गाना गा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे उसकी सरगम सिखाई जहाँ से मुझे और सीखने को मिला। मैं भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूँगा और मैं इसके लिए एक यू का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें फराहम किया। थैंक यू। Thank you.
पूछते हैं आवाम से, आवाम कैसा लगा? अब हम चलते हैं हमारे जजेस की तरफ, हम एक एक करके उनसे उनसे कमेंट्स लेते हैं। I was not expecting so nice, but yes. But the first one was very good. The previous fella was very nice. This one was a bit of okay, but not even that bad. You know, you seem to be very excited as well at the same time. You were so excited. और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का इशू था, लेकिन बट फॉर यू इट वाज ऑल ओके। आई लाइक इट, वी एक्चुअली एंजॉयड इट, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू मैम। सर, पिछली बार तब आपकी परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी बेहतर थी, लेकिन इतने बड़े गैप के बाद जो मेरे जहन में खाका था आपकी और अच्छी होनी चाहिए थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। रिदम थोड़ा कमज़ोर था, मुकम्मल गिरफ्त में नहीं था, सुर तो उससे भी बहुत कमज़ोर था, क्योंकि कोरस के साथ भी जो एक सुर की फ्रीक्वेंसी इस गाने की जिन सुरों के साथ है, वो मुझे अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन नहीं मिली। लेकिन फिर भी एक मशहूर गाना है, पॉपुलर गाना है, और आपने बहुत अच्छा उसको परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस आपकी कमाल है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह और अच्छा और बेहतर होना चाहिए। और छोटी सी मुझे एक और भी गुजारिश करनी थी कि ख़ासतौर पे वाइस ऑफ एकेयू बहुत अच्छी स्टेज, बहुत अच्छी डेकोरेशन, बहुत अच्छी लाइटिंग, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे आपके ऑडियंस, ऑडियंस तो आपके कमाल है, जो इतने म्यूजिक बैंड के थोड़ी अस्थाई कोई कह रहा है तो तालियां फ्री हो। तो हमें बहुत दिक्कत थी शो पिछली मरतबा बोली थी कि हम जज नहीं कर सकते कि किसी को क्या मार्क्स देंगे, तो पता नहीं क्या हमारे कि आपके बैठे हुए यहाँ पर और ये ऑर्केस्ट्रा के सारे लोग जो इनमें से काफ़ी इतने सीनियर हैं, जो हमारे टीचर्स जसलाई के टीचर्स हैं, नासिर भाई हैं, साहिब भाई हैं और महमूद भाई हैं, ये ख़ासतौर पे मंसूर भाई जो जसलाई के हमारे गुरु जैसे हैं, ये आपकी ऑर्केस्ट्रा बैंड जो आई अभी जो कुछ बजाया और जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी, और प्लस ये कभी कराना आखिर में और भी तारीफें हमें करनी है, तो मैं फिलहाल खामोश रहा। सर, करीब आपने दोस्तों पर बहुत दिखाया, जैसे शाहिद भाई ने कहा है कि सुर थोड़ा मुझे आपका उतरा हुआ लगा इसके लिए, बहुत मैंने थ्रू आउट में ही महसूस कर रहा था कि गाना आपका थोड़ा सुर से उतरा हुआ था और मामूली सा, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने जो आपने छन इन शाह आप और कोशिश करेंगे तो और अच्छा रहेंगे। आज काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा यहाँ आई हूँ, आप लोगों ने बुलाया, थैंक यू सो मच आई खान का और स्पेशली वॉइस ऑफ ए पी यू का, तो उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और बहुत अच्छा लगा आज, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो थोड़ी बहुत होती है वो तो सर आप लोग समझदार हैं और यकीन बेहतर फैसला होगा, बेस्ट ऑफ लक। जोरदार तारियां करीम के लिए, करीम बेस्ट ऑफ लक। हमारी नेक्स्ट फाइनलिस्ट हैं मेविश जॉर्ज। Do
Assalamu alaikum. Good evening, everyone. My name is Mavish. I am from Ops and Gyne department from B2Watt. I associated Aga Khan since 2013. Firstly, I would like to thank Almighty God jinhone mujhe is maqam par pahunchaya. Iske sath sath hi main Aga Khan University ka tahe dil se shukr ada karti hu jinhone hame ye platform ata kiya jahan par hum apni insaniyat ki khidmat karte karte apni andar chupi salahiyat ko ujagar kar sake. Voice of AKO ka safar bahut hi hamare liye challenging raha jahan par हमें अपनी सलाहियतों को मज़ीद पॉलिश करने का मौका मिला. मेरी रब से यही इल्तिजा है कि वॉइस ऑफ AKO का सफ़र हमारी आवाज़ को पहचान और हमारी आवाज़ को हमारी मंजिल मिल सके. थैंक यू. Lily.
sir, tell me something. Why were you scared at the back? How did you feel? Kaisa gaya? Kya laga aapko? Bahut acha gaya. Audience, judges. Pehle smile judges ko. Judges. Start to aapne jo kiya wo kafi uske sur ke liye kamzor tha aur do cheeze maine note ki shuru se lekar aur tak ek to jo ni wo sara gana aapne pata nahi kyun dar mein gaya dar ke aur dusra ye ki ye itna acha gana hona chahiye tha performance ke hawale se kyunki bahut acha gana tha uski performance bhi aur zyada तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे लाइक थोड़ी शाय जो नेचुरली हो पता नहीं और सुर भी जो वो जिस किस्म के सुर इसमें गाने में हैं करने चाहिए वो थोड़े कमज़ोर थे लेकिन आखिर में मैंने देखा कि आखिरी अंतरा जो आपने गाया वो काफ़ी पहले से बेहतर था और उसकी लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस भी जो अच्छी थी आखिरी अंतरे में तो जनरली मुझे अच्छा लगा ये सॉन्ग और मेहनत करती रहे इंशाल्लाह और अच्छी लग रही है आप बहुत अच्छा गाती हैं आपकी परफॉर्मेंस में ओवरऑल इतना खौफ था आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू आर सो गुड यू आर सो फैबुलस देयर हैज टू बी द राइट फील ऑफ द सॉन्ग एज वेल तू है वही जिसे अपना कहा तू मैं इतना अच्छा गाती हो दिस वॉज द फील इतना खौफ था क्यों वाई यू आर सो गुड परफॉर्मेंस में दिस इज एसेंशियल टू यू नो टू मूव एज वेल But your main focus, you know, is your sur, A. B is your rhythm. And three, there has to be no khauf. Agar khauf hoga to tumhari sari jo performance hai wo kharab ho jayegi. So you were good, but you were not very good. Theek hai, so you need to improve it on that. But that was a very nice performance. Overall, it was nice. Thank you. Mahab sir. महेश जाहिर के जैसे कि हमारे शायद भाई आपसे अभी जो कमेंट्स दिए उन्होंने ये गीत जो है ना ये ज़रा जिसकी परफॉर्मेंस जो है हिसाब से जिसकी वॉइस जो है उसमें आपको बड़ा मतलब कि खुल के इसमें होता है लेकिन आज की मैं देखा कि आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी गाने की आपकी लेकिन सुर के मामले में वो ज़रा सा वही बात हुई कि ज़रा सा अंतरे में आके वही मैं शाहिद भाई से भी कह रहा था क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ पर्सनली बहुत पसंद है तो थोड़ा सा वही बात आई कि ज़रा सी आके उस पर उसमें ऐसा लगा कि अंतरा जो था ना ज़रा आपके ग्रुप से थोड़ा कम था बहर चलिए कोशिश कीजिए आप और मेहनत कीजिए ओके ये कोई आखिरी स्टेज नहीं है अगर यहाँ जीते हैं हारते हैं आप लोग सब के लिए हैं आप लोग सब विनर्स हैं अभी से क्योंकि आप लोग जिस तरह का जॉब करते हैं इतना टफ टाइम में आप लोग माशाल्लाह से इतना म्यूजिक भी कर रहे हैं तो टू जबरदस्त और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट फाइनलिस्ट एंड रॉयस दरिया बहते बहते इस मंजर में
Hello everyone, my name is Ambrose and I am from Nutrition and Food Service Department. Well, the journey of Voice of AKU has been really exciting and challenging for me. The second day of my audition was really tough for me. I didn't had that hope that I would qualify. I was really confused. I thought that I won't be selected for the final, but still it was all of the support of my family and of my colleagues that they encouraged me for this. And that's why I reached to this level. And I really want to thank for the support and for the encouragement. The credit goes to all my colleagues, my wife, my elder brother, and my father-in-law for all this, for this whole platform of Voice of AKU. Thank you so much, all of you, for this encouragement and support. Thank you. Thank you.
ने तो तुम्हारे लिए प्यार बरसा दिया है। एक बार फिर ऑडियंस बरसाएगी प्यार। ओके, तो हम जजेस के कमेंट्स लेते हैं। राबिया से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज जो है वो फाइनल है, आज जो कुछ भी है आप लोगों ने जो भी गा रहे हैं वो आज सब कुछ फाइनल है, तो ऐसी परफॉर्मेंस देके जाए जो यहाँ के लोगों को सबको याद रहे, तो माशाल्लाह से आज ये याद रहेगा कि बारिश होगी। आपके लिए मेरे मेमोराइज हो गया। ओके सर, मैं तो यही कहूँगा कि भाई गाने के अंदर गया तो सुन जा के आप बादल से टकरा जाए। और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाया इस गाने को। थैंक यू सर, बड़े थ्रो के साथ गाया। इज इट गुड? थैंक यू पंडित साहब। गाना तो ऐसा गाया कि बरसात शुरू हो गई और जैसे ख़त्म किया तो बरसात ख़त्म हो गई। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या आपको मार्क्स मिल सकती है? समझ जाए आप, जबरदस्त, बहुत अच्छा, सुरों से भी अच्छा, काफ़ी बेहतर, और रिदम के साथ और अच्छा परफॉर्मेंस आपकी अच्छी, जनरली आप बहुत अच्छा। थैंक यू सर। फिजा, यू एक्चुअली परफॉर्म सो वेल, वी हैव एंजॉयड लाइक इट, हमें इतना मज़ा आया आपकी परफॉर्मेंस के साथ, इट वॉज फैबुलस, वी हैड अ गुड 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 टाइम टू सी यू, इट वाज सच अ प्लेजर, और जितना रिकॉर्ड था आपने उतना ही गाया, which is very nice, fabulous, thank you so much, thank you so much, thank you everyone, thank you Imroz. गानों से हटकर अभी हम एक कॉमेडी स्क्रिप्ट पर चलते हैं, उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद आबिद से, जो माइंड एंड ब्रेन डिपार्टमेंट से हैं, कि वो आए और स्क्रिप्ट पेश करें। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर ज़ीशान हाशमी, नईम मदानी and voice of AKU ki jaan Wahab Khan. सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम पेश करने से पहले थोड़ा सा वहाब भाई का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आप लोग सब बैठे हुए लेकिन आपको पता नहीं है वहाब खान कौन है, आप लोगों ने इन्हें बहुत हल्का लिया है। ये उन दिनों की बात है जब सॉन्ग्स में गानों में पाकिस्तान के ऊपर इंडिया छाया हुआ था, उस वक्त एक प्रोग्राम आता था, कैसेट आती थी, बिना का गीतमाला, अमीन सियानी, इकबाल सियानी, वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। नमस्ते धैरो भाइयों, बिना का गीतमाला के पहले पायदान के साथ है इकबाल सियानी का आदाब। हाँ तो भैरो भाइयों, प्यार के पहले पायदान पे पहुँचने वाला ये सुंदर गीत, गीत को शब्दों में परोया है अनजान ने, मौसीकी है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की, आवाज़ है लता मंगेशकर की, और फिल्म है राम तेरी गंगा बैली। सुन से बसन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया। और बहनों भाइयों, बिना का गीतमाला पे दूसरे पायदान पे पहुंचने वाला ये सुंदर गीत, इसको लिखा है किशोर कुमार ने, और किशोर कुमार इस वक्त मूड में नहीं है, खिड़की के पास बैठे हुए चाय पी रहे, क्या गा रहे हैं? जिस दिल में प्यार ना हो उस दिल में क्यों रहूं। ये कैसेट बहुत मशहूर हुई थी, लोग बसों में बैठे बैठे सो जाते थे, अगर उस वक्त मोबाइल होते तो सबसे ज़्यादा मोबाइल वहाँ चोरी होते। अच्छा, इस गाने के, इस कैसेट के एंड में उन्होंने एक चीज़ की थी कि विलन की आवाज़ रिकॉर्ड की हुई थी, उसमें रंजीत साहब थे विलन, स्मार्ट बॉय मोना डार्लिंग तुम अगले वाली बस में चढ़ जाना, वहाँ तुम्हें रीटा मिलेगी, रीटा के पास एक 50 का नोट होगा, तुम अपना 50 का नोट लेके जाना, ओके ना, रीटा की बच्ची नोट दे दो, अम्मा गुस्सा हो रही है, दही मंगानी है। अच्छा, इतना मशहूर हुआ वो कैसे, फिर पीटीवी वालों को काफ़ी टेंशन हुई कि यार ये तो सब इंडिया ही ले जा रहा है, तो उन्होंने ऑडिशन किए, उनका एक प्रोग्राम आता था सिल्वर जुबली, बहुत मशहूर प्रोग्राम था, उनमें उन्होंने ऑडिशन दिए और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वहाब खान ऑडिशन में सबसे नंबर वन आए थे और उनकी आवाज़ किशोर और रफ़ी के बराबर निकली माशाल्लाह। उनके मशहूर गानों में मैं तीन गाने आपको बताऊँगा, छोटे छोटे, अंतरा, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। एक दूसरा मशहूर गाना था, ए मेरी जाने गजल,
तीसरा वाला गाना था, ये बहुत मशहूर हुआ था, इन्होंने अकॉर्डिंग कहते हैं अकॉर्डिंग पे गाया था, बड़ा मुश्किल गाना होता है। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं मैं सोचता हूँ क्यों सोचता हूँ उनको सोचने दो सब सोचते हैं, ये बड़ा मशहूर हुआ था। अच्छा जालिमा तालियां तो बजा दो। अच्छा यहाँ वॉइस ऑफ एक्यू का माहौल, सुबह से नईम भाई बेचारे सुबह से लगे हुए हैं, बारिश को रोक रहे हैं, वोल्टेज भी अप डाउन हो रहे हैं। मैं जब यहाँ पे आया अंदर वॉशरूम में गया तो हाउसकीपिंग वाला सफाई कर रहा था, मैंने उसको कहा कि भाई यार ये गर्म पानी के नलके में गर्म पानी नहीं आ रहा है। वो गाते गाते बोल रहे हैं खोलना हल्के हल्के, खोलना हल्के हल्के दो तरह के नलके। नईम भाई के पास गया, मैंने कहा नईम भाई, नईम भाई क्या हाल है, खैरियत है, क्या हो रहा है नईम भाई? तो नईम भाई ने भी गाने में जवाब दिया, आज फिर स्पोर्ट्स सेंटर में टैलेंट आया बेहद और बेशुमार आया है। मैंने कहा चलो यार ये तो सब यही कह रहे हैं, जीशान भाई के पास जाते हैं। जीशान भाई शायद जीशान भाई ये साल 2018 में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपके मन में क्या चल रहा है? जीशान भाई ने कहा मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, वॉइस ऑफ एक्यू फिर करा दूं, वहां खान को फिर बुला लूं। थैंक यू। अच्छा जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग ने आम इंसान को परेशान किया है, इसी तरह हमारे मुल्क के मशहूर फंकारों को भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले तारिक अजीज, इब्तिदा है रब जलील के बा बरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, दिल की आंखों सुनते कानों, रक्षी और शैला को मेरा सलाम पहुंचे। ना मेरे भाई ना लाइट ना बंद करना वरना डाकू सारा माल लेके चले जाएंगे। नंबर दो पे मशहूर गुलकार आलमगीर, मैंने कल देखा था इस जगह तेरे जैसा एक हसी अजनबी आज कहाँ है वो। पीछे मकरानी भाई बैठा था, गाना करा तुम्हारा अजनबी गटर में गिर गया, डकना चोरी हो गया है। मैडम नूरजा केसी वालों को फरमाई कह रही है, रिक्वेस्ट करिए भाई रो दो। ओ जाने वाले रे फेरो जरा रुक जाओ लौट जाओ। नहीं माने, माई भागी आई, माई भागी ने कहा टीना टीना सानी तुम गाना गा लो, मैं तो ऐसे गाती नहीं हूँ। अब टीना सानी गाना गा रही है, वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। खड़ी नीम के नीचे हूँ खामे गली, चातरो वतारो माना छानी मानी देख ली, जिल मिल बिमला बसे मोर पपिया रगाए, सास चदारो छेंद ममरियो मासा डरियो जाए। इसके बाद उर्दू के मशहूर शायर दिलावर फिगार, दिलावर फिगार अब एसी वालों को कह रहे हैं, अबे तुझे क्या खारिश है, ये लोड शेडिंग की क्या बारिश है, अबे ये काहे का अकड़ना है, मुझे तेरा टेंडमा पकड़ना है। पीछे से लाइट बंद हुई, कहते हैं मुझे भी आपसे डरना है। सबसे आखिर में अबरारुल हक, चाहे लाइट हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो गाए जाते हैं और फिर रुकते नहीं हैं। पंजाबी में एक सॉन्ग गाते हैं लाहौर में, इमरान खान के मशहूर डीजे, जद तेनु वेख्या तू मार सुटिया, जद तेनु वेख्या तू मार सुटिया, अज मेरे कौल है तेरे प्यार दी लोड़, तेरे चुन्नी दे सितारे मेरे लग देने प्यारे, अस तेरे घर जा सा गोरी है, तेरे टुबक टुबक तू जानी है, तेरे गली विच पैड़ तू पानी है, मुंडे गली ते घुमारे उत्ते बैठ के जुबारे, मुझे इश्क दिया पे लेने नहीं, दैट्स व्हाई गिव मी अ ब्रेक, मची दावा कि तेरे दरवाजे उत्ते बैठ के बजावांगे बाजे, तेरा पीछे नहीं छड़ना, नेवर गोना गिव मी अप, Never gonna give me up till the day I die. Pagatan kurti, ek nikad kudi, Punjaban. Asi maar ke tude tar kare na kare san sine utte maang gayi kaan kudi. Teriya. Thank you very much. Hi
Hi, my name is Maryam Piarali and I'm senior instructor at Department of CHS. About my journey, so 3 months after the very first round of the audition of the Voice of AKU, today we have reached the final destiny of the season, that is the final round. So I'm very excited for this final round. For me, this journey is like a roller coaster ride because there were too many ups and downs for me. So the ups were really the appreciation, the motivation of everyone and the fun at the practice time. And the down was like my own nervousness, my own anxiety, especially when I have to go up to the stage and have to face the public. I really want to thank to God for this, and especially thank you to AKU and the sports department especially, because they have provided us with such a unique platform where I was like able to refine much of my vocal skills, and I, you know, like boost up my confidence with this all opportunities. And I also want to thanks to my family and my close friends, because they help me out, they constantly support me, they encourage me at every step. In fact, they also help me out with the song selection. And they were always being ready 24 hours to really listening the same song in 24 hours repetition. I want to thanks the sports as well as the complete orchestra team, especially Mansoor sir, because they were constantly giving us the plenty of time during our practices. So I really want to wish all the best to all of the contestants as well. Thank you. Hey, hey, hey.
भट्टी भट्टी लगा के आप खड़ी हुई है, मैं भुट्टो हूँ। इसके बाद का मैं कमेंट्स नहीं दूंगा। मैंने इससे पहले आपसे सॉरी कह दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूं? गाने में अच्छा गाया आपने और सुर थोड़े पूरे गाने में ले हुए थे, लेकिन असल में क्या है कि ये मेलोडी भी थोड़ी मुश्किल है। ये मेलोडी बहुत मुश्किल मेलोडी है और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी। और मैं ये सारे म्यूजिशंस जो खड़े हुए हैं जो आपके साथ प्ले कर रहे हैं बजा रहे हैं उनको भी सलाम करता हूँ, क्योंकि ये इतने गाने 10-12-15 गाने ये बजाना और याद करना बहुत मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पर हमारे जो बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के ड्रामर हैं मंसूर भाई, इनको भी मैं शाबाश देता हूँ कि बहुत अच्छे कनेक्टिंग बहुत अच्छे। बेस्ट ऑफ भाई मरियम, मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। सबसे पहली बात ये आपका जो थ्रो है ना वॉइस का इस गाने के लिहाज से बहुत अच्छा। अब जाहिर है कि 19-20 तो सुर में थोड़ा बहुत होता ही, लेकिन मुझे आफ्टर आपके जो इतनी बहुत है ना गाना उसमें वो बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने जो भी गाया जैसा भी गाया सुर जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़े माशाल्लाह से हमसे ज़्यादा सीनियर लोग हैं और हम तो इनके शागिर्दों में से हैं तो ये बेहतर समझते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह से ओवरऑल आपने बहुत अच्छा गाया। आपकी लुक्स बहुत प्यारी है, आप बड़ी क्यूट लग रही है और भाई तालियों में चाहिए, तालियों में तंदूसी भी होनी चाहिए। आज की परफॉर्मेंस मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप सबके लिए यादगार होनी चाहिए, बहुत अच्छी है और गुड एंड ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मरियम। आवर नेक्स्ट फाइनलिस्ट मोहम्मद अली सिद्दीकी। Hi, my name is Mohammad Ali Siddiqui. I'm from Audiovisual Department. Music is always been one of my passions. I am a creative person and always like to explore different mediums of art. Well, my journey of Voice of AKU starts with the auditions. How can I forget that I was the first contestant to perform the audition round? I was extremely confused and nervous that time, but it went very well. And I've got selected for the piano round where we need to sing along with the orchestra. That was a bit tricky for me, but lucky enough to get a chance to perform in the quarterfinals, then semifinals, and now in finals. Oh my God, I didn't express my feelings how much excited I am for the finale. I really wanted to thank my colleagues, especially Mr. Kareem Virani, Shabir Bhai, and of course Mr. Ajmal Rizvi, who always supported me and helped me in building my confidence. Guys, believe me, it's not that easy to perform in front of so many people. Thank you AKU for providing us this platform
where we get a chance to express our hidden talent. Love you all.